हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस एक्चुअली में एक एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। म्यूकस जो लाइनिंग होती है, पैरानेसल साइनसिस की जो म्यूकस लाइनिंग होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। खासकर जो मैक्सिलरी साइनस होते हैं, ये जो मैक्सिलरी साइनस है, अगर इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसकी जो म्यूकस लाइनिंग होती है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये पैरानेसल साइनसिस होते हैं। वैसे होते फ्रंटल साइनस है, सिफ्नॉइड साइनस है, इथमॉइड ईयर सेल्स होती हैं, और मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में मैक्सिलरी जो साइनस होते हैं, उनमें उनका ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अगर हम उनकी सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें साइनसाइटिस में। एक तो फीवर हो जाता है एक्यूट स्टेज में, एक्यूट स्टेज में फीवर देखने को मिलता है। पेन, पेन कहाँ पर होता है? पेन एक्चुअली होता है चेक और इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन में। चेक और इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन जो होते हैं, उनमें हमें पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रंटल हेडेक होता है। अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस होती है ना, फ्रंटल साइनोसाइटिस होगी, तो फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा, या फ्रंट के रीजन में आपको हेडेक होगा। दो मेडिसिंस होती हैं इसके लिए, फ्रंटल अगर हेडेक हो रहा हो, सिंगुइनेरिया, स्पाइजेलिया, और साथ में आँखों में भी दर्द हो रहा हो। अगर सिंगुइनेरिया है तो राइट आई पर दर्द होता है, राइट आई का इन्वॉल्वमेंट होता है, और स्पाइजेलिया है तो लेफ्ट आई का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, फ्रंटल साइनोसाइटिस अगर हो रही है तो हेडेक होता है, फ्रंटल हेडेक होता है। कौन सा हेडेक होता है? फ्रंटल हेडेक। और क्या होता है, अगर इथेमॉइड साइनोसाइटिस है, इथेमॉइड साइनोसाइटिस है, तो नेसल जो ब्रिज होता है आई के पीछे, जहाँ पर इथमॉइड एयर सेल्स प्रेजेंट है ना, आई के पीछे दर्द होता है। तो कहाँ दर्द होता है? बिहाइंड आई। ठीक है, नेसल डिस्चार्जेस की अगर हम बात करें, तो नेसल डिस्चार्जेस किस तरह के होते हैं? बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसियस होते हैं। इसमें म्यूकोपस प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो डिस्चार्ज होंगे वो आप उनमें पस निकलेगा, और येलोइस ग्रीनेस होते हैं। कैसे होते हैं? येलोइस और प्लस ग्रीनेस होते हैं इसके डिस्चार्ज। ठीक है, झुकने पर जब स्टूपिंग करते हैं, तो स्टूपिंग पर ये जो पेन होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टूपिंग पर पेन बढ़ जाता है, पेन और डिस्चार्जेस दोनों बढ़ जाते हैं। अमोनियम कार्ब में ऐसा कुछ हम देखते हैं कि स्टूपिंग से उसके नोज से ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो स्टूपिंग से पेन और डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहे हो। और क्या होता है इसमें, कि जो ब्रीदिंग होती है, ब्रेथ होती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है, बदबूदार होती है, ऑफेंसिव होगी, और उसमें फिटेड डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि डिस्चार्ज भी बदबूदार हो रही है ना, क्योंकि म्यूकस देखो ऐसा हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, साइनोसाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, तो पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो पस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो कैसा रहेगा? ऑफेंसिव रहेगा, फिटेड रहता है। ठीक है, और पेशेंट को ना एक इच्छा बनी रहती है कि वो लगातार अपना गला साफ़ करता रहे, तो थ्रॉट को लगातार क्लियर करता रहता है। पेशेंट जो होता है वो गले को साफ करने की कोशिश करता रहता है। नेसल डिस्चार्जेस के बाद नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। नाक बंद रहेगी तो एक भारीपन सा रहता है सर में, है ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। वो नेसल ऑब्स्ट्रक्शन वेरिंग डिग्री का होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ता चला जाता है समय के साथ में। अगर किसी को लगातार साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता चला जाता है, उसको हियरिंग में भी डिफिकल्टी होने लगती है, सुनने में डिफिकल्टी होने लगती है, और उसको एनोस्मिया हो जाता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर, जो कुछ भी ऑर्डर जो होते हैं, बदबू या खुशबू जो होती है, वो उसको उसको आती है। ठीक है, और इसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है नोज से।
ठीक, तो ये कुछ एकाध सिम्टम्स होते हैं जो साइनोसाइटिस में भी देखने को मिलते हैं। क्या क्या हो जाता है? एक तो म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ब्रेथ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, और स्लोली प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हियरिंग में डिफिकल्टी होती है और ब्लीडिंग भी होने लगती है नोज से। ठीक है, ये तो कुछ सिम्टम्स हो गए। अगर हम साइंस की बात करें तो किस तरह के साइंस मिलते हैं? तो पहले तो जो अफेक्टेड साइनसेस हैं उसकी वजह से टेंडरनेस महसूस, मतलब टेंडरनेस होती है, जब छुएंगे टच करेंगे तो पेन होता है। ठीक है, टेंडरनेस रहती है पेशेंट में। और जब हम एंटीरियर एंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है कि नेशल म्यूकोसा जो होती है वो रेड और इन्फ्लेम्ड रहती है। ठीक है, एडिमेटस भी रेड इन्फ्लेम्ड एडिमेटस, और इसमें से म्यूको प्रूडेंट डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, म्यूको प्रूडेंट डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। ये तो हो गई एंटीरियर रेनोस्कोपी। जब हम पोस्टीरियर रेनोस्कोपी करते हैं तब क्या मिलता है हमें? पोस्टीरियर नेयर्स में पस मिलती है, जैसे एंटीरियर नेयर में मिल रही है ना, रेड एडमिटर स्वेलिंग मिल रही है और साथ में प्रूलेंट डिस्चार्जेस भी मिल रहे हैं, वैसे ही पीछे भी पस मिलती है, और हो सकता है कि पॉलिप मिले, पॉलिप भी मिल सकता है। ठीक, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं ओस्टियो मेलाइटिस, ओस्टियो मेलाइटिस। ठीक है, ओस्टियो मेलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और म्यूकोसील और ब्रोंकाइटिस, ये कुछ एक आध इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, रिकरेंस का रेट भी कॉमन रहता है, रिकरेंट होती रहती है। ये क्या है? एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसमें भी साइकोसिस है क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो साइनोसाइटिस क्या है? एक साइकोटिक है, साइकोटिक कंडीशन है। तो ड्रग्स भी, जो भी साइकोटिक ड्रग्स होंगी वो ही चलेंगी। ठीक है ना, जनरल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वॉर में रूम में उसको आराम करने के लिए कहते हैं, रूम को वेल वेंटिलेटेड रखते हैं जहाँ से हवा आती रहे, है ना, ऐसी हवा आएगी तो फिर थोड़ा सा आराम मिलेगा उसको। स्टीम का इनहेलेशन करवाते हैं, स्टीम का इनहेलेशन जो है वो इनहेलेशन लगभग लगभग सभी केसेस में काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, ये हम कहते हैं, और जनरल हेल्थ को उसकी इम्प्रूव करते हैं। और वाल्सल्वा मैन्यूर, स्टूजन कटार जो होता है उसके लिए वाल्सल्वा, इसमें क्या करते हैं, नाक और माउथ को बंद करके पेशेंट से कहते हैं कि प्रेशर प्रेशर क्रिएट करिए अंदर लंग्स में, तो उससे जो कान वगैरह होते हैं उससे खुल जाते हैं। ठीक है, एक बार नेट से देख लीजिएगा वाल्सल्वा मैन्यूर में क्या होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देते हैं, हम उसकी बात करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी देते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस में कैसे डिस्चार्जेस होते हैं? थिक प्रोफ्यूज येलो डिस्चार्जेस होते हैं, और स्टिंगी म्यूकस होता है, जैसा कि कैलिवाइकोमियो में हम देखते हैं ना, वैसा ही है। ठीक है, और इसमें हॉकिंग, ये भी लगातार हॉकिंग करता रहता है। किस तरह का डिस्चार्जेस होते हैं? येलो विसिड म्यूकस के साथ में होते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पोस्टीरियर नेयर से, डिस्चार्जेस होते रहते हैं ना। तो हाइड्रास्टिस अच्छी मेडिसिन हो गई फिर, हाइड्रास्टिस अच्छी मेडिसिन है ना, क्योंकि इसमें स्टिंगी म्यूकस है, थिक येलो डिस्चार्जेस हो रहे हैं और पोस्टीरियर नेयर्स से हो रहे हैं। ठीक, कैली आयोडेटम, इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से देख रहे हैं, डैम्प प्लेस में, डैम्प एक्सपोजर के बाद इनको ठंड लग जाती है ना, डैम्प प्लेस में इनको ठंड लग जाती है, जिनको भी ठंड लगती है उसके लिए खाली कैली आयोडेटम है। वैसे डैम्प प्लेस में एक और मेडिसिन है डलका मारा, है ना। कैलिआयोडेटम में डिस्चार्जेस कैसे होते हैं? एक्टिड वाटरी डिस्चार्ज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, इस चीज़ का खास कर ख्याल रखना, वायलेंट होते हैं और लैक्रिमेशन भी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है, इतने ज़्यादा वायलेंट एक्टिड डिस्चार्जेस होते हैं नोज से, और उतना ही ज़्यादा लैक्रिमेशन भी होता है आँखों से, और स्मार्टिंग पेन भी हो रहा है। अच्छा, आँखों में पेन हो रहा है तो कहाँ दिक्कत होगी? हमारे जो इथेमॉइड एयर सेल्स होते हैं ना, उनमें दिक्कत है, इथमॉइड साइनोसाइटिस है।
और नाक के दोनों तरफ हो रहा है, रूट ऑफ नोज पे दर्द हो रहा है तो क्या है, फ्रंटल साइनसिस में दिक्कत है, नाक के दोनों तरफ दर्द हो रहा है, मैक्सिलरी साइनसिस में दिक्कत है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कैलियोडेटम में जो है डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, एक्यूरेट वाटरी डिस्चार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन होता है। नोज़ कैसी होती है, रेड और स्वेलिन होती है और टेंडर भी होती है, छूने पर टच करने पर कैसी होगी, दर्द करेगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, कहीं की भी म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज, थ्रोट, नोज, फ्रंटल साइनस, खास करके फ्रंटल साइनसिस है ना, कहीं की भी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है और नोज के फ्रंटल साइनसिस में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो बहुत अच्छा काम करती है कैलिआयोडेटम। तो आयोडेटम का याद रखना है हमें कि डिस्चार्जेस कैसे होते हैं और नोज में कहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है। और इसको वायलेंट स्नीजिंग भी होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैलिबाइक्रोमियम की, इसके डिस्चार्जेस हमें पता है कि पोस्टीरियर नेयर से ड्रूपिंग होती रहती है, इसमें भी कंटिन्यूसली हॉकिंग करने का मन करता है ना, नाक से ये ब्रीदिंग नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता है, तो पोस्टीरियर नेयर से ये भी हॉकिंग कर रहा है। और कहाँ से हो रही थी, पोस्टीरियर नेयर से इसमें हो रही है, हाइड्रास्टिस में, तो कैलिबाइक्रोमियम में पोस्टीरियर नेयर से हॉकिंग हो रही है और इसमें हाइड्रास्टिस में भी हो रही है। अब अंतर क्या है, इसमें भी श्रृंगी म्यूकस है और इसमें भी रोपी रोपी म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, रोप की तरह श्रृंगी म्यूकस होता है इसमें भी, ठीक है। और इसमें अगर डिस्चार्जेस तीज हो जाते हैं तो वायलेंट पेन होता है ऑसीपिट से लेके फोरहेड तक। नोज की जो रूट होती है उसमें प्रेसिव पेन होता है फोरहेड में, और ये फ्रंटल साइनसिस की वजह से है। क्या दिक्कत हो रही है, फ्रंटल साइनोसाइटिस की वजह से, ये फ्रंटल साइनोसाइटिस की वजह से ये दिक्कत हो रही है कि जो पेन है वो बहुत ज़्यादा प्रेसिव रूट ऑफ नोज पर है। बच्चों में क्या होता है ना, कोराइजा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, नोज बंद हो जाती है, लिख भी रखा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस का अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो कैलिबैक्ट्रोमियम और फ्रंटल साइनस के लिए कौन सी दो मेडिसिन है, कैली आयोडेटम, ठीक है, कैली कैली हैं दोनों, एक फ्रंटल साइनस के लिए कैली बाइक्रोमियम हो गई, एक इसमें लॉस ऑफ स्मेल भी होता है, स्मेल चली जाती है, अल्सरेशन हो गया हो ना सेप्टम का तब भी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। मक्स सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक ठंड महसूस होती है, जब भी ठंड लग जाती है ना, जब भी इसको ठंड लगती है उसकी शुरुआत जब होती है तो एक क्रिपी चिल वाली फीलिंग होती है, ठीक, ठंड लगना मतलब कोल्ड, जब कब जब ये बीमार होता है, बीमार होना शुरू होता है तब इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इसकी नोज़ से रेड साइनी रॉ अल्सरेटेड, जो इसकी नोज़ होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है, अल्सरेटेड होती है और रॉ होती है, और इसमें भी फ्रंटल साइनस में कैटरल इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो मर्कसॉल भी फ्रंटल साइनसिस में अगर कैटरल इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, एक्रिड होते हैं, ओल्ड चीज़ की तरह होते हैं, बदबू जो होती है ओल्ड चीज़ की, जो पुराना चीज़ रखा रखाया होता है ना, उसमें से जो बदबू आने लगती है ना वो भी इसमें आती है। और इसके डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, ऑफेंसिव ग्रीन और पस के साथ में होते हैं, ठीक है। और इसमें भी स्नीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, वार्म रूम में इसको बहुत दिक्कत होती है, हालांकि ये ठंडा है उसके बावजूद भी वार्म रूम में दिक्कत हो रही है। इसका जो टेस्ट होता है वह कैसा होता है, स्वीट होता है और मेटेलिक टेस्ट आता है इसके, मर्कसॉल का जो पेशेंट होते हैं ना उसमें मेटेलिक टेस्ट आता है। ऑफेंसिव स्वेटिंग होती रहती है, स्वेटिंग कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है, तो इसके डिस्चार्जेस ऑफेंसिव हैं, ठीक। मर्कसॉल का हमें याद रखना है कि फ्रंटल साइनस में, मर्कसॉल में भी दिक्कत हो रही है फ्रंटल साइनस में और कैलिबैक्ट्रोमियम में भी हो रही है और कैलिआयोडेटम में भी है, और हाइड्रास्टिस में क्या है, पोस्टीरियर नर्व से वो कंटिन्यूसली विसिड म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है। इसके बाद ट्यूबरक्यूलिनम, इंटरमिटेंट कंडीशन में ट्यूबरक्यूलिनम देते हैं। देखो ट्यूबरक्यूलिनम जो होती है वो उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें हिस्ट्री मिलती है हमें टीबी की, जिनमें टीबी हो रही है और टीबी की हिस्ट्री मिल रही है उनमें दिया जाता है, और अक्सर ये ठंड पकड़ जाते हैं, ठंड खा जाते हैं, ठीक है, और हमेशा टायर्ड फीलिंग होती है, थके थके हुए, ऐसे लोग जो जिनमें हिस्ट्री हो टीबी की, जो हमेशा ठंड पकड़ जाते हैं, जिनमें थकान होने लगती है, या फिर जिनमें वार्म रूम से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, वार्म रूम में गर्म कमरे में जिनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ट्यूबरक्लिनम प्रिस्क्राइब करते हैं। शॉर्ट इंडिकेशन की अगर हम बात करें, मतलब कि जो हम तुरंत दे सकते हैं एक्यूट कंडीशन में, तो अर्ली अगर स्टेट है तो बेलाडोना, मक्सॉल, थैटी बहुत अच्छा काम करती है। हेडेक अगर हो रहा हो, थिक प्रूलेंट डिस्चार्जेस हो रहे हैं और उसमें ब्लड भी आ रहा हो,
तो कैलीबाइक्रोमियम 30, राइट साइड में दिक्कत हो रही है, हेडेक हो रही है, प्लस साइनसाइटिस है, तो सैंग्विनेरिया। लेफ्ट साइड की दिक्कत है, हेडेक हो रहा है, ऑसिपिट से लेके आगे की तरफ आ रहा है हेडेक, और लेफ्ट आई पर सेटल हो रहा है, आँख ऐसा लगता है कि आँख बाहर आ रही हो, स्पैजुलिया। कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और रैपिंग से आराम मिल रहा हूँ, हेड की रैपिंग से आराम मिल रहा हूँ, सेलिशिया 30, थिक येलो और ग्रीन ब्लड स्टेन, या इसमें थिक येलो अगर डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिक है, येलो है, तो ऑरम मैट 30 पोटेंशियल में 4 घंटे में रिपीट करते हैं ऑरम मैट। तो ऑरम मैट के बारे में बहुत ही कम सुना हुआ है अभी हम लोगों ने, बाकी तो ये सब मेडिसिन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले जो कंडीशंस थी, जो राइनाइटिस वगैरह थी उसमें हमने सैलिशिया स्पैजुला और सैंग्विनेरिया कैलिवाइक्रोमियम मर्क्सोल बेलाडोना ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑरम मैट के बारे में उतना नहीं पढ़ा, तो इसमें थिक येलो ग्रीन ब्लड स्टेन डिस्चार्जेस होते हैं, अगर एक्यूट कंडीशन है तो इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ और ड्रग्स हैं जो कि बैरिंग पोटेंसीज में इस्तेमाल करी जाती हैं और इनकी प्रूविंग हुई है और अच्छा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, सिम्टम्स में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, बेलाडोना, नेटम्ब्यूरेटिकम, हिपरसल्फ और पल्सेटिला। तो हमने बेलाडोना के बारे में बताया है कि अर्ली स्टेज में दे सकते हैं, अर्ली स्टेज नेटरम्यूरेटिकम, नेटरम्यूरेटिकम के बारे में पढ़ा है ना हम लोगों ने, नेटरम्यूरेटिकम के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं देखा। खैर नेटरम्यूरेटिकम बहुत अच्छा काम करती है, हिपरसल्फ और पल्सर्टिला। पल्सर्टिला के जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा बीपिंग टेंडेंसी होती है उनमें, और तो कुछ छूट रहा हूँ क्या, हाँ पल्सर्टिला छोड़ रहा हूँ, ये इसमें नर्वस और टिमिड पर्सन होते हैं बहुत ही, बीपी जो रोने वाली फीमेल्स होती है ना उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये, सिंपैथी को क्रैक करना चाहते हैं, मतलब क्रैकिंग बहुत ज़्यादा होती है कि वो कोई इनकी कोई उनको उनका साथ दे, है ना, सिंपैथी, सिंपैथी मतलब कोई उनको क्या कहते हैं हिंदी में, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा है सॉरी। और ये कोल्ड एयर में इनको आराम मिलता है, ठीक है। डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, ओल्ड कैटर होता है इनका, लॉस ऑफ स्मेल, अच्छा इसमें भी लॉस ऑफ स्मेल है तो इनकी भी स्मेल चली जाती है, और लॉस ऑफ स्मेल जितने में भी है ध्यान रखें क्योंकि अक्सर स्मेल चली जाती है लोगों की, और अभी जो कोरोना हुआ था उसमें भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनमें स्मेल चली गई थी, ठीक है। डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, थिक येलो होते हैं, और ओपन एयर में इनको आराम मिलता है। इसकी दो कंडीशंस हैं, एक तो रात वाली जहाँ पर इसकी नाक बंद हो जाती है, ठीक है, स्टब्ड अप फीलिंग होती है रात में, और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, कोपियस फ्लो होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, ओपन एयर में फ्लूएंट डिस्चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और रूम बंद हो तो इसकी जो नाक होती है बंद हो जाती है। तो पल्सर टिला ऐसे याद रखो कि भाई कि ओपन एयर में जा रहे हैं, खुली हवा में है, या मॉर्निंग में भी एक ठंडापन होता है, अच्छी हवा लगती है, फ्रेश एयर होती है, तो शायद यही कारण होता होगा कि उसकी नोज़ से डिस्चार्जेस, मतलब नाक तो खुल जाती है लेकिन डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन है रात वाली जहाँ पर हम लोग बंद कमरे में सोते हैं, तो जब रात होती है और बंद कमरा होता है तो नाक बंद हो जाती है, तो ऐसे अगर केस हो कोई तो उसमें अच्छा काम करेगी, ठीक है। लाइकोपोडियम, हाँ लाइकोपोडियम में भी कह रहा था ड्राई नोज रहती है, स्टॉप्ड रात में बंद हो जाती हो, है ना, लाइकोपोडियम नक्स वोमिका, अब तो ये भी आ गई पल्सेटिला, इसमें भी नाक में रात में बंद हो जाती है, नक्स वोमिका, सेम्बुकस, ये सब रात वाली परेशानियाँ होती हैं कि रात में इनकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। और इसका इसका क्या क्यों लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक्चुअली रूट ऑफ नोज पर दर्द होता है और इसमें भी फ्रंटल साइनस में दिक्कत होती है, ठीक है, और क्रेस्ट और इलास्टिक फ्लक्स भी बनते हैं इसमें। तो फ्रंटल साइनस इसके लिए कौन कौन सी हो गई हैं जो हमें याद रख सकते हैं, एक तो लाइकोपोडियम हो गई है, फ्रंटल साइनस में अच्छा काम करती है, मर्कसॉल हो गई है, और फ्रंटल साइनोसाइटिस में कैली एडेटम और कैली माइक्रोमियम, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, साइनोसाइटिस है अगर तो कैली के आयोडेटम और माइक्रोमियम, ठीक है, लाइकोपोडियम और कौन सी थी, लाइकोपोडियम और एम, हम ऐसे याद रखेंगे, कमाल, ठीक है, के एम एल,
फ्रंटल सेंट्रल साइटिस में, कमाल से याद रख सकते हैं, ए हटा दो, के फॉर कैलियोडेटम, के फॉर कैलिबैक्ट्रोमियम, एम फॉर बक्सॉल, एल फॉर लाइकोपोडियम। ठीक है, कुछ और जोड़ सकते हैं आप अपना, अच्छा बना लीजिएगा निमोनिक। ओके, एल में एक और आ जाती है लैमना माइनर, इसको भी ऐड कर देते हैं, लैमना माइनर भी है, क्योंकि लैमना माइनर, देखो एक और चीज़ बताना है कि मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड जो असाइंड मेडिसिन होती हैं, जस्टिका, अडाटोडा, लैमना माइनर और सिनेपिस नाइग्रा। इसमें लैमना माइनर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, इसमें प्यूट्रिड स्मेल होती है, लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, लॉस ऑफ स्मेल है, और डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, म्यूकोप्रूरेंट डिस्चार्जेस होते हैं, और पोस्टीरियर नेसल डिस्चार्जेस होते रहते हैं, और नेसोफेरिंक्स में ड्राइनेस भी होती है, और पेन कहाँ से कहाँ होता है, स्टिंगी पेन होता है नोज से लेके ईयर तक। अभी ऐसी कोई मेडिसिन हम लोग नहीं पढ़े जो जिसमें कान वाली प्रॉब्लम हो, जबकि हम साइनसाइटिस में क्या पढ़ रहे हैं कि जो कान होता है वो बंद हो जाता है ना, सुनाई देने में डिफिकल्टी होती है। तो नेसल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद अगर ये वाला हो रहा है काम कि ईयर भी बंद हो रहा हो, तो लैमना माइनर नहीं भूलना है। ठीक है, लैमना माइनर ध्यान में रखना है। एक छोटी सी साइनोसाइटिस एक टॉपिक है जिसमें कुछ मेडिसिन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।